केवल छलावा किया गया जोशी मठ के साथ। सरकार ने छलावा किया है, प्रशासन को होश में आने की बात कही गई है। और धीरे बताना चाहूंगा कि पूरी महिलाएं पूरे के एकदम आज सुबह से ही जिस तरह से जोशी मठ में पूरा ये आप देख रहे हैं, जैसे कि दोनों तरफ के विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ भालू उससे वन विभाग के जो QRT टीम है वो जूझ रही है, और एक नहीं तीन तीन भालू सड़क पर, जहां लोगों ने चक्का जाम किया था शासन प्रशासन को जगाने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छंद रूप से निकल पड़े जो भालू हैं वो सड़कों पे, जोशी मठ की सड़कों पे। ये किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि आज इस चक्का जाम का इस तरह से लुत्फ उठाएंगे जोशी मठ के ये भालू। और दोनों तरफ की चिंता की बात आप समझिए, एक वो पीड़ित लोग जो लंबे समय से अपने विस्थापन के लिए मांग कर रहे हैं, अपने विस्थापन के लिए जूझ रहे हैं और अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बार ये देखा गया है कि जोशी मठ में अब जिसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ हो चुका है, वहां पर सबसे ज़्यादा खतरा जो बना हुआ है भालुओं का बना हुआ है। और आप ये देखिए, आप किस तरह से ये एक संयोग बना कि एक तरफ जो मुख्य बाजार है वहाँ पर जोशीमठ नगर के लोग, व्यापारी लोग और वहाँ के स्थानीय जो रहवासी हैं वो आंदोलनरत हैं, और जिला प्रशासन ने उनसे बातचीत की मान मनोबल के बाद, आश्वासन के बाद कि इस महीने 25 अक्टूबर तक शासन प्रशासन स्तर पर उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, उनसे कुछ सकारात्मक वार्ता होगी। उस क्रम में जहां वार्ता उधर चल रही थी, तो वहीं दूसरे हिस्से में जोशी मठ के रवि ग्राम क्षेत्र में पूरा ये देखिए भालुओं की एक टोली सड़कों पर आ गई कि मानो आज का ये चक्का जाम इन्हीं के लिए किया गया था, और इस चक्का जाम का भरपूर लाभ भालुओं की फैमिली उठाई। प्रशासन को होश में आने की बात कही गई है।